हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आर्डुइनो और 16x2 एलसीडी बेस्ड रेंज फाइंडर बनाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है क्यानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की कॉम्पोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। सबसे पहले मैं आर्डुइनो को कनेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं 16x2 एलसीडी को कनेक्ट करूंगा और इसके पिन नंबर 1, 5, 7, 8, 9, 10 और 16 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद इसके पिन नंबर 2 और 15 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद इसके पिन नंबर 4 को आर्डुइनो के पिन D3 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके पिन नंबर 6 को आर्डुइनो के पिन D4 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके पिन 11 को आर्डुइनो की पिन D5 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके पिन 12 को आर्डुइनो की पिन D6 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके पिन 13 को आर्डुइनो की पिन D7 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके पिन 14 को आर्डुइनो की पिन D8 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं 1K रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसके एक पिन को LCD की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके दूसरे पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करूंगा और इसकी VCC पिन को आर्डुइनो की 5V पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसकी ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी ट्रिगर पिन को आर्डुइनो की पिन D9 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी एको पिन को आर्डुइनो की पिन D10 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आर्डुइनो में प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं।